आपके अटारी ऊंची रही होगी, लेकिन आपकी जमीन से यहाँ मेयर बना है और कांग्रेस पार्टी बना है। बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं, पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी वहाँ पर चाट खाएगी, वहीं पे धोने फेंकती आएगी, सब होने वाला है, क्योंकि जनता अच्छी तरह से आज ग्वालियर के अंदर से दावे के साथ में कह सकता हूँ, मैं महलों पर उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन अटारी पर जरूर कहूंगा कि अटारी पर बैठने वालों, लोगों को इतना नीचे होकर मत देखो कि बहुत छोटे हैं। इस ग्वालियर ने आपको 57 साल का वो रिकॉर्ड तोड़ के बता दिया कि यहाँ मेयर जो है आपके अटारी ऊंची रही होगी, लेकिन आपकी जमीन से यहाँ मेयर बना दिया है और एक कांग्रेस पार्टी बना दिया। जब ये बदलाव आना शुरू हो गए, मुरैना, ग्वालियर, ये इस तरह की जगह है जहां पर तो अटारी से नीचे देखते भी नीचे अपनी जमीन को उतरना पड़ गया। हमारे मित्रों ने कहा है कि हम पर्यटन के लिए बहुत काम करेंगे और कमलनाथ जी से मुझे उम्मीद है कि हर जगह फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म के बेसिस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनको पहल करेंगे और नहीं करेंगे तो हम सब लोग बैठे हुए करवाएंगे। ये भी वैसे बहुत अच्छे राइटर हैं, ये भी लिखते लिखाते हैं, आज यहाँ पहुँच गए, अब इसी के चक्कर में आना पड़ गया मुझे। लेकिन मैं पर्यटन के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं, पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे, क्योंकि है तो जनता का है ना, ग्वालियर का ही है ना सब कुछ। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी तो पर्यटन के लिए वहां भी जाया करेगी और वहां पर जाके बाकायदा मजे के साथ में वहां पर चाट खाएगी, फिर वहीं पे तूने फेंक के आएगी, सब होने वाला है, क्योंकि जनता तय कर लेती है वो अच्छी तरह से तय करती है, क्योंकि बहुत फिकाई करी है अब लोग करेंगे। बाकी आप सबसे यही कहूँगा भाई, सीधी सादी बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कम से कम आप चेहरे देखिए, बहुत से पुराने चेहरे यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा इनके सामने मैं क्या बोलूँगा, ये तो जो चाहेंगे लिखा लेंगे और इस पर लिखेंगे वो ही जनता की भावना, जनता की भावना तो सारी पर जा नहीं पाऊंगे, इसलिए भाई मैं भी आपसे पर नहीं जा रहा, जो मुझे दिल के आपने कह दिया, धन्यवाद। अभी आपने ये कहा कि दोनों पत्थर फेंके जाएंगे, जनता जाएगी महल में पर्यटन करेगी, तो कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या महल को चौपाटी बनाएंगे आप? नहीं नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब है दोनों पत्थर जो है वहाँ डी हम हटेंगे, हम लोग वहाँ फेंकेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है, प्रधानमंत्री दुनिया में जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं, आदि का चुनाव अपने चेहरे से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्रदेश के अंदर प्रदेश को इस लायक नहीं समझा एक चेहरा सामने दे सके, कम से कम कांग्रेस पार्टी में इतनी ईमानदारी हो, चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम अपने कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है उनका चेहरा जो है हम छुपाते नहीं, ये न जाने क्यों छुपाते हैं, इनके चेहरे में ऐसी कौन सी चीज छुपी हुई है जिसकी छुपा लेते हैं, ये छुपा रहे हैं, हम भी छुपा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएम का चेहरा और केंद्र की योजना के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश की योजना हाँ इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि कहाँ पर उन्होंने किया क्या, 18 साल से राज किया है, उन्होंने दिया क्या, क्या विकास किया। ये मैं कल जहाँ गया था मुरैना में, रास्ते में मुझे अफसोस हुआ कि भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो मंत्री है वहां गडकरी साहब दुनिया में दिखा रहे हैं कि हमने पुल बना दिए, ओवरब्रिज बना दिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्यों नहीं, मुख्यमंत्री साहब इतना वहां पर जो है मंदिर है, यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या विकास किया, ग्वालियर ग्वालियर बचपन से आ रहा, इसके बाद भी आपको 18 साल लग गए जनता तक अपनी बात पहुंचाने में,
18 साल लग गए आपको हमारे खबर पहुंचाने में, जनता ने आपकी बात पहुंचाने में, सरकार नहीं बन पाई अभी तक। बिल्कुल नहीं बन पाई, आपने बहुत सही कहा, इसलिए नहीं बन पाए, अर्थ करने वाले अर्थ कर ले, और उसके बाद में 18 साल में जो अर्थ किया है, अब कमलनाथ की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी वो 28 साल तक नहीं गिरा नहीं पाए। कांग्रेस देखा मैंने सुना इंदौर के अंदर पुष्कर भर लगे हुए हैं, देखो भाई क्या तक सवाल है भगवान राम का, हमारा राम सबका है, इनका राम इनका होगा, हमारे राम सबके, और हम तो भैया कुछ शरणार्थी है, बेवाकी से बोलते हैं आपने मोदी जी के खिलाफ, बेवाकी से 11 बयान दिए हैं, योगी के खिलाफ 2 बयान दिए हैं, और छत्तीसगढ़ में आपने क्रांतिकारी कहा नक्सलियों को, आपकी बात तो सीधे सपाट होती है, लेकिन वो बयान विवादित क्यों बनता है? बात सुनो, मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, जिस पेशे से आता हूँ, वो मेरे बात सुनकर घुस जाते हो, देखने के लिए है क्या, अब आप क्या लिखे, भैया तेरी मर्जी है, विवादित कर दे अविवादित कर दे, लेकिन अविवाहित मत करना विवाहित। केंद्रीय केंद्रीय मंत्री तोमर, एक सवाल है कि सरकार आने के बाद पहले 100 घंटे में क्या होगा, माफिया राज खत्म, माफिया राज के विरुद्ध कार्रवाई होगी? मेरे ख्याल से मुझे दोबारा मैनिफेस्टो आपको बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कमलनाथ जिस दिन सरकार में बैठेंगे जो वादे किए हैं उसी रात से शुरू करना काम कर देंगे, ये मैंने पिछली बार देखा है, पर मुझे उम्मीद है कि हमारी तीनों सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछली बार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, ये शपथ ली और काम करना शुरू कर दिया, मैं और आप हम दोनों मिलेंगे और यकीन मानिए उसी रात से शुरुआत हो जाएगी, अगर आपकी इजाजत हो सकता राहुल राहुल। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।